तप्तजीवनं कविभिरीढितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। आइए वचनामृत का चिंतन परिच्छेद नंबर 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण। तारीख है 24 अगस्त 1882। और इस प्रथम परिच्छेद में हमने पिछले प्रवचन में ये देखा कि विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव ने यहाँ विद्यासागर की बात उठाई है कि विद्यासागर से फिर से एक बार मिलना चाहिए इत्यादि। तो उसके पीछे उनका जो महत हेतु है, ये अर्थात विद्यासागर को उसके मनुष्य जन्म की सार्थकता का स्मरण दिलाना, यानी जिस ढंग से श्री रामकृष्ण यह वाक्य उच्चारते हैं कि विद्यासागर का सब कुछ ठीक ही है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, कुछ अच्छे काम करता है परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। और आगे श्री रामकृष्ण विशेष रूप से यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि हृदय में सोना दबा पड़ा है, हृदय में ईश्वर है। अर्थात हृदय में सोना दबा पड़ा है, ये जो सोना अर्थात ईश्वर है हृदय में। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। सिर्फ विद्यासागर तो एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन वस्तुतः अगर हम देखें तो शास्त्र के अनुसार हमारी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत परंपरा है भारत की, तो सभी को उस शाश्वत सुख की प्राप्ति हो हुई थी। और उन्होंने यह बात बड़े स्पष्ट रूप से बड़े सुंदर ढंग से जगत के सामने प्रस्तुत भी की थी कि यह शाश्वत सुख यह कोई आभास मात्र या यह कोई कल्पना विलास नहीं है, यह वास्तव में एक परम सत्य है और इसकी अनुभूति हो सकती है। और अगर और सत्य तो यही है कि जब तक इस शाश्वत सुख की प्राप्ति में मनुष्य सफल नहीं होता, तब तक एक तो यह जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, तो दूसरी तरफ प्रत्येक जन्म में उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, जिससे जिसके पीछे फलाकांक्षा होती है और यह फलाकांक्षा पूरी करने में मनुष्य कर्म करता है, उद्यम करता है और उसके संस्कार भी बनते जाते हैं। तो एक तरह से ये जन्म मरण के चक्र से रिहाई पाने की आध्यात्मिक स्पृहा कितने लोगों के अंतःकरण में सतेजता से जगमगा उठती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कभी कभी यह प्रश्न सत्य तो यही है, कभी ऐसा लगता है दिस इज समथिंग एन अनसॉल्व्ड स्टोरी, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, कि मनुष्य तत्वतः ऋषि मुनियों का अनुभव अवतार पुरुष आकर जगत के सामने आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं और बार बार मनुष्य को सचेतन करते हुए कि वस्तुतः वह सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन मनुष्य अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूल कर इस देह के साथ तादात्म्य होकर इसको ही सत्य मानकर इस देह के सुख और विषय विकारों को लेकर चलते रहता है। पिछले प्रवचन में दूसरी बात भी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी कि श्री रामकृष्ण देव यहाँ ये जो हृदय में ईश्वर हैं यह बात जो प्रस्तुत करते हैं, और इनडायरेक्टली अवतार का जो कार्य होता है जीवोद्धार, जीवोद्धार का कार्य यानी जीव के अंतःकरण में
जीवन के उद्देश्य को सतेज करना, उसकी दृष्टि जीवन के उद्देश्य को लेकर अर्थात शाश्वत सुख की ओर ले जाना, जागृत करना। सर्वसामान्य जीव जो हैं, जो विषयों में डूबा हुआ है, उसका मन उसको ईश्वराभिमुख कर देना। और क्या वास्तविक परम सत्य ऐसा कुछ है? क्या उसकी अनुभूति हो सकती है? क्या ईश्वर हैं? तो यह सब बातें यह अवतार पुरुष जो होते हैं अपने जीवन के माध्यम से जगत के सामने प्रस्तुत करते हैं। और सनातन धर्म में वारंवार मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष या भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान प्राप्ति, इस प्रकार से अलग अलग ढंग से ही सही लेकिन बार बार बताया गया है। और पिछले प्रवचन में मैंने आपको मुक्ति और उसके जो एक चार प्रकार, अर्थात ऐसा कोई कंपार्टमेंटल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, इस प्रकार चार प्रकार की मुक्ति का वर्णन हमें शास्त्र ग्रंथों में मिलता है। और इस मुक्ति को प्राप्त करने के दृष्टि से सत्यनिष्ठा, सरलता, समर्पण, सतर्कता, सदाचार, संयम, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहृदयता, सुरुचि, सुनीति, सेवापरायण भावना इत्यादि सद्गुणों का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसके अंतःकरण में पहले एक तरफ ईश्वर को लेकर एक आस्तिक्य बुद्धि सतेज हो जाएगी, विवेक शक्ति सतेज हो जाएगी, उसी के साथ साथ मनुष्य जन्म सफल करने के दृष्टि से आध्यात्मिक स्पृहा भी सतेज हो जाएगी। यह सब बातें हमने थोड़ी बहुत पिछले प्रवचन में देखी हैं। देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो कहते हैं कि हृदय में ईश्वर हैं, कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। मुझे लगता है मैं जब कुछ बातें आपके को कहूँगा तो आप लोग अवश्य ही मेरे विचारों से सहमत होंगे। यानी एक यंग लड़का जो मुझसे मुलाकात करने आया था, मुझसे मिलने आया था, और उसने ही यह प्रश्न मेरे सामने रखा कि महाराज, सभी संत कहते हैं, अवतार कहते हैं, गीता वगैरह में कहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि हृदय में ईश्वर हैं। मैंने श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और उनके वाणी को वो किताब पढ़ी है, अमृतवाणी करके, उसमें भी श्री श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है इत्यादि। तो मनुष्य के हृदय में अगर ईश्वर बसा हुआ है तो ये जो मनुष्य है यह इस प्रकार से विषय लोलुप जीवन क्यों जी रहा है? ये बड़ी कॉन्ट्रेडिक्टरी बात महसूस होती है। बोले ये बड़ा उपहासात्मक लगता है, ये बात सुनकर मुझे तो समझ में नहीं आया। और वाकई उस योग की बात सुनकर मैं भी, मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई सत्य ही यह अपने आप में एक बड़ा अद्भुत ऐसा पजल कि हमारे प्रत्येक के हृदय में ईश्वर है, यह शास्त्र सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है। शास्त्र सिद्ध यानी ऋषि मुनियों ने ही इस बात को अनुभव करके उसको शास्त्रों में साधना पद्धति और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति इत्यादि ग्रंथ की निर्मिति हम देखते हैं। तो कितना बड़ा एक परिहास, बड़ी आश्चर्य की बात कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहकर भी हमारी धारणा में, हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको लेकर हम कोई खास परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही एक पजल है कि हृदय में ईश्वर हैं
लेकिन हम जो देहात्म बोध से इस कदर जुड़े हुए, इस कदर जीवन यापन कर रहे हैं, यानी ऐसा का शास्त्र अगर हम देखते हैं, ऋषि मुनियों की, संतों की बात अगर पढ़ते हैं, तो सभी लोग एक आवाज़ में यही कहते हैं कि भाई ईश्वर जो हैं वह बड़े निर्मल हैं, और हम और वो हृदय में अगर हमारे रहते हैं तो हमारा हृदय भी तो निर्मल ही होना चाहिए ना। लेकिन हमारा अनुभव क्या बताता है? अगर हम आत्मपरीक्षण करने लगे तो सहज ही में समझ में आएगा कि ईश्वर जिसका वर्णन निर्मल, वह निर्मल है ऐसा आता है, और हम अपना हृदय जब देखते हैं तो वह तो मलग्रस्त है, अर्थात वासनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसे कहा जाता है, और हम जब अपने व्यक्तिमत्व को देखते हैं, अपने हृदय में खोजते हैं, तो हमारी संकुचित मनोवृत्ति हमें समझ में आ जाती है। हृदय की क्षुद्रता हमारे जो है वह हमारे आँखों के सामने आ जाती है। हाँ, ईश्वर अविनाशी है ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, और हम अपना हृदय अगर थोड़ा जांचते हैं तो प्रत्येक जीव जो है वह विनाश के भय से संतरस्त नज़र आता है। देखिए कितनी, यानी कितना बड़ा विरोधाभास यहाँ हमें नज़र आता है। तो यहाँ जब श्री रामकृष्ण देव यह जो बात हमारे सामने उठाते हैं, भक्तों के सामने उठाते हैं, अर्थात कि हृदय में ईश्वर हैं, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है, अर्थात उसे सब कुछ छोड़ने की इच्छा, अंतःकरण में ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर की अनुभूति की भावना, उसको लेकर व्याकुलता, यह सब कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, यह जो बात है। तो इसके संदर्भ में यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि यह एक अलग विषय है जिसको आगे ये वचनामृत का चिंतन हम जब आगे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो वह बातें अपने आप हमारे सामने प्रस्तुत होती ही जाएगी। श्री रामकृष्ण देव सिर्फ हृदय में ईश्वर हैं ऐसा कहकर शांत नहीं होते, इस हृदयस्थ ईश्वर को अनुभूति में कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए साधना के रूप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी का निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में हमें मार्गदर्शन करेंगे ही समय समय पर। तो जैसे जैसे बात आएगी उस वक्त उसका अध्ययन, उसका चिंतन हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ सांकेतिक रूप में, संक्षेप में यह कहना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये जो सद्गुण है, बड़ी अद्भुत बात कि ये सभी सद्गुण स अक्षर से शुरू होते हैं, तो इनको अगर हम अपने जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित उसका परिणाम जो हमें अनुभव में आएगा वह क्या होगा? तो निश्चित हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, और जिसका जितना चित्त शुद्धि उसकी होती जाएगी उतनी ही उसे आध्यात्मिक स्पृहा, भगवान दर्शन की व्याकुलता, और अधिकाधिक सच्चे मार्ग पर, सत्यनिष्ठ ये जो सद्गुण हैं इसके शक्ति पर विश्वास, सद्गुणों के या सुविचारों के क्षमता पर संपूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास का अंतकरण में जाग उठना। देखिए साधना करने के लिए, साधन संबंधी कुछ बातें जो हैं उसका पहला मूलभूत उद्देश्य ही हृदय को शुद्ध करना यह होता है।
मूलभूत उद्देश्य साधना का पहला हृदय को शुद्ध करना होता है और उसके दो पक्ष है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक पहला पक्ष जो है जिसमें भविष्य में हृदय को पुनः दोषित होने से रोकना कि भाई मैं अभी तक मुझे अब पता चल गया है कि मेरे हृदय में ये दुर्गुण है तो इन दुर्गुणों को मैं सद्गुणों का इतना अभ्यास करूँगा धीरे धीरे ये दुर्गुण अपने आप छूट भी जाएंगे और उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि उसको अगर मैं पकड़ता हूँ दुर्गुणों को अगर अपने जीवन में प्रधानता देता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा असफल हो जाएगा। और अब मुझे पता चला है तो एटलीस्ट हियर ऑनवर्ड्स मैं अपने हृदय को दूषित होने से रोकूंगा और उसके लिए क्या करूंगा तो उसके लिए यही करूंगा कि वारंवार सांसारिक विचार या अपने मन को विषय चिंतन से जोड़कर रखना यह मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं क्या नहीं करूंगा, स्वार्थपूर्ण कर्म करने से अपने आप को अपने हृदय में अगर ऐसी भावना वासना के स्वरूप जागृत भी हो जाती हैं तो मैं उसको प्रधानता नहीं दूंगा, अतिरिक्त महत्व नहीं दूंगा, उसके तरफ दुर्लक्ष करते हुए सद्गुणों को ही दृढ़ता से अर्थात निस्वार्थ परायण भावना को ही अपने अंतःकरण में बनाए रखने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं मानता हूं कि जब हम प्रयास यह शब्द उच्चारण करते हैं तो हमने प्रयास शुरू किया और प्रथम से ही 100% सफल हो गया ऐसा शायद विरला ही होता होगा। कुछ प्रयास हमारे सफल हो जाएंगे, कभी हम थोड़ा सा असफलता की ओर झुक जाएंगे, लेकिन अगर हम यह स्पिरिचुअल यात्रा प्रारंभ ही नहीं करेंगे, अगर हृदय में यह बात दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे कि मुझे हृदय की शुद्धि करनी है और उसको अशुद्ध बनाने से जो जो बातें निमित्त बनती हैं उनसे मुझे दूर रहना ही है, यह जब तक हम नहीं सोचेंगे तो बात तो आगे बढ़ने नहीं वाली। तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, दूसरा जो पक्ष है अर्थात जैसा अभी मैंने गुणों की एक तालिका आपके सामने प्रस्तुत की तो वह सब जो सद्गुण है सकार स अक्षर से चालू होने वाले तो उन सभी गुणों को अपने हृदय में अत्यंत अनुशासन पूर्वक उसको जीवन में लाने का प्रयास करूँगा। देखिए धर्म की एक सरल व्याख्या तो यही कही जाती है कि धर्म यानी एक ऐसा अनुशासन जिसका पालन करने के फलस्वरूप मनुष्य अपवित्र विचार करना अपवित्र आचरण करने से यह धर्म की भावना उसे रोक देती है, यह अनुशासन उसे रोक देता है। अग्नि यह यानी धर्म की यह बड़ी सरल सी व्याख्या है, वैसे धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं हैं लेकिन साधना की दृष्टि से यह धर्म की व्याख्या कि धर्म यानी एक ऐसा सुंदर अनुशासन जिस अनुशासन में सद्गुणों का पालन करना अनिवार्य है और जितना जितना अधिक सुविचारों में अच्छे विचारों में हम अपने मन को रखते जाएंगे उसके लिए सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, प्रार्थना करेंगे, जप ध्यान इत्यादि साधना करेंगे। देखिए ये सब अगर हम करने लगते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से हमारे परिवर्तन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए ये जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी थी कि ये बड़ा सा प्रॉब्लम जैसे एक
अनसॉल्व प्रॉब्लम कि हृदय में ईश्वर हैं, हमारे प्रत्येक के हृदय में ईश्वर होते हुए भी ये कैसी ये विपरीत परिस्थिति है कि हृदय में भगवान ईश्वर होते हुए भी हमारा हृदय मलिनग्रस्त है, हम बहुत संकुचित मनोवृत्ति स्वार्थपरायण जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरे और एक अगर थोड़ा गहराई में देखें तो हम यह भी देखते हैं कि सदैव हम एक तरह से मृत्यु के भय से बड़े भयभीत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा जिसकी ओर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत बार यह प्रश्न मन में आता है तो क्या आध्यात्मिक जीवन यापन करना, चित्त शुद्धि करना, हृदय को सुंदर बनाने के दृष्टि से, पवित्र बनाने के दृष्टि से सक्रिय हो जाना, तो इसके लिए क्या हमें हमारे जो कर्तव्य कर्म है, हमारे संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, संसार की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं, तो क्या ये भौतिक बातें हमको पूर्ण रूपेण त्यागनी पड़ेगी? तो यहाँ यह बात, यह जो एक यानी एक तरह से सोचे तो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक संघर्ष का सृजन। बहुत बार बहुत से हमारे जो भक्त हैं, बहुत बार वार्तालाप के दौरान उनके अंतःकरण का यह संघर्ष वह व्यक्त कर देते हैं। ये जो भौतिकता अर्थात जीवन आवश्यक वस्तुएं उसको प्राप्त करना इत्यादि, और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता जहाँ बार बार विवेक वैराग्य की बात उठाई जाती है, तो भाई क्या करें, व्हाट शुड वी डू? कॉन्स्टेंट एक प्रकार का ये टसल, ये वॉर, ये चलता रहता है अंतर मन में। तो शुद्ध आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में यह तथ्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। व्हेन वी रियली बहुत सीरियस होकर और बड़ी तत्परता से, सच्चे दिल से व्याकुल होकर हम जब आध्यात्मिकता को अनन्य साधारण महत्व अपने जीवन में देना चाहते हैं और उस दृष्टि से जब कदम बढ़ाते हैं, तो यह बात निश्चित पक्की सत्य है कि भौतिकता को अतिरिक्त महत्व देना यह गलत ही है। यह एक परम सत्य है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक साधक को दुर्गुणों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए क्या आवश्यक है, उसके पास में उपकरण के रूप में क्या उपलब्ध है? मुझे पता नहीं कभी आपने इस ढंग से यह बात सोची है या नहीं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के यह जो शब्द हैं, हृदय में ईश्वर हैं, जब यह ठाकुर के इन वचनों को जब मैंने पढ़ा और जब सोचने लगा, तो ये बहुत सारे विचार मेरे हृदय में संचार कर गए कि एक साधक की दृष्टि से इस बात को मैं क्या समझूं, क्योंकि आप और हम सभी लोग साधक हैं, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार हम जीवन यापन कर रहे हैं, और पूर्व संस्कार वो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अर्थात दुर्गुणों के साथ संघर्ष तो करना जैसे आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अनिवार्य ही है, लेकिन इस दुर्गुणों के साथ संघर्ष करने के लिए जो उपकरण है, वह उपकरण क्या हमारे पास उपलब्ध है? डू वी हैव? तो इसका निश्चित उत्तर एक तरह से श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में ही हमें मिल जाएगा, या संतों की जीवनी में मिलेगा, हमारे शास्त्र ग्रंथों में भी इसका उत्तर सकारात्मक ढंग से ही मिल जाएगा कि देखो
हम जब पुराण पढ़ते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपद और दैवी संपद का वर्णन किया है, तो ये जो आसुर हैं, ये असुर, ये कौन है? तो ये दुर्गुण जो हैं हमारे आपके मन में, माफ़ कीजिएगा, आप सब में, आप सबके अंतःकरण में दुर्गुण बसे हुए हैं, ऐसा कहना आपके ऊपर अन्याय करने जैसा होगा, क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोग तो ना, मुझे लगता है निश्चित रूप से पवित्र हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना हृदय जब देखता हूँ, अपना जीवन जब देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ दुर्गुण जरूर हैं, और इन दुर्गुणों को, इनका सामना अर्थात इनको दूर करने के लिए मुझे संघर्ष करना ही पड़ रहा है। और ये जो दुर्गुण है, यही असुर हैं हमारे अंतःकरण में बसे हुए, और ये देवासुर संग्राम हमारे अंतःकरण में ही चल रहा है। ये जो मैंने अभी उपकरण की बात छेड़ी थी ना, हमारे पास उपकरण के रूप में क्या है? हमारा अंतःकरण। यह अंतःकरण साधना, जब मनुष्य साधक जीवन यापन करना शुरू करता है, तब उसके जीवन में यह अंतःकरण की भूमिका बड़ी प्रधान होती है। देखिए, चाहे कोई मनुष्य कितना भी सांसारिकता को लेकर विषयासक्त, भोगासक्त होकर जीवन यापन करता भी होगा, तो वहाँ उसके अंतःकरण की भूमिका ही होती है। उसका मन विषयों की ओर आकृष्ट होकर उससे चिपक गया है, और इसीलिए वहाँ भी मन की भूमिका है, और इन विषयों से अपने मन को हटाकर ईश्वरीय बातों में जोड़ना उसके लिए भी संघर्ष है, प्रयत्न है। तब इसलिए ये जो मैं कह रहा हूँ कि दुर्गुणों का एनालिसिस अगर हम करें थोड़ा सा, पहले दुर्गुणों को ही देखते हैं, क्योंकि वह बड़े हमको अनुभव में आते हैं। हर व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ अपने अपने परसेंटेज से निश्चित रूप में सक्रिय होगा। आपके हृदय में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अंतःकरण देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि मेरे अंतःकरण में तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब जैसे अपना अपना बल लेकर बड़े सतेज हैं। तो देखिए, ये जो दुर्गुण हैं, ये सब दुर्गुण ही कहलाते हैं ना। तो ये जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुणों की बाध्यता क्या है? ये दुर्गुणों के आधार से मनुष्य सुख की खोज में अगर कुछ प्रयास करेगा तो उसको सफलता कैसे मिलेगी? ज़रा सोच कर देखिए आप, कैसे मिलेगी यह सफलता दुर्गुणों के आधार से? हाँ, तो देखिए, मनुष्य के मन में अगर काम का उदय हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन जब एक पुरुष को उसके अंतःकरण में जब काम का उदय हो जाता है, तो उस काम तृप्ति के लिए एक नारी शरीर की आवश्यकता हो जाती है, अर्थात वह मस्त है, एक तरह से बाध्यता है। वह क्रोध आ जाए तो क्रोध का शमन करने के लिए शस्त्र लगते हैं। देखिए, क्रोध की जो अभिव्यक्ति हैं, सिर्फ तलवार या छुरी या थप्पड़ मारना, सिर्फ यही अस्त्र शस्त्र नहीं है, इनसे भी कई गुना पावरफुल अस्त्र होता है मनुष्य की वाणी। कभी कभी हम दूसरे आदमी को कटु वचन कहकर कितना आहत करते हैं। शायद अधिकांश हम आजकल के ज़माने में तो तलवारबाजी और छुरेबाजी वगैरह इतनी ज़ोरों से तो नहीं चलती, लेकिन बातों ही बातों में एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, सार्कास्टिक बातें करना, उपहास करना, तिरस्कार करना, कभी कभी हमारी भाषा बड़ी कटु, तो यह वाणी भी एक अस्त्र है। तो क्रोध के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए
शस्त्र का आश्रय उसको लेना पड़ता है, लोभ की सफलता के लिए तो द्रव्य चाहिए। देखिए द्रव्य इसका अर्थ सिर्फ पैसा ऐसा नहीं है, हाँ वस्तुएं भी। मुझे आम का आम अल्फांसो आम बहुत अच्छा लगता है, तो जब गर्मी का सीज़न आ जाता है तो अल्फांसो आम मैं खा भी लेता हूँ और मुझे कल खाना है इसलिए फ्रिज में दो चार रख भी देता हूँ। तो ये द्रव्य यानी वस्तुएं भी और पैसा भी, उसी के साथ साथ लोभ तो और भी कितनी ही बातों को लेकर मनुष्य को सताता है। पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति का लोभ, बहुत सारे लोभ, उसकी तो हम फहरिस्त नहीं बनाने जाएंगे। लेकिन मूल रूप से यह आप देखिए कि काम के क्रोध के लिए भी दूसरे शरीर की होना एक बाध्यता है, क्रोध के लिए शस्त्र का आश्रय अनिवार्य है, लोभ की सफलता के लिए द्रव्य चाहिए। और अगर हम अहंकार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो भाई दूसरों में दैन्य का और अभाव युक्त ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, तब तो जाकर उसकी तुलना में हम श्रेष्ठ हैं यह साबित होगा। यानी अहंकार की अभिव्यक्ति उसके लिए दैन्य और अभाव से ग्रस्त या अभाव युक्त दूसरी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए ये सभी दुर्गुण हैं, ये सब असुर हैं एक तरह से, और इनको अगर पूरा करना है तो यह इस प्रकार किसी न किसी बाह्य वस्तु पर निर्भरशील हैं, उसके बिना ये सफल नहीं हो सकते। लेकिन इसका उल्टा कीजिए आप, देखिए ब्रह्मचर्य व्रत को अगर हमको पालन करना है तो उसके लिए कोई शरीर, दूसरा शरीर कोई आवश्यक नहीं है। अगर हमको क्रोध का अभिव्यक्ति करने हैं तो उसके लिए जैसे शस्त्र लगते हैं, तो अहिंसा का पालन करने के लिए कोई भी बाह्य वस्तु नहीं लगती। लोभ है तो लोभ की सफलता के लिए द्रव्य चाहिए, लेकिन अगर हम त्याग की भावना को लेकर चलते हैं तो उसके लिए तो कोई द्रव्य या दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा जो अहंकार है, ईगो है, तो उसकी श्रेष्ठता जगत के सामने प्रस्तुत करनी है तो उसके लिए दूसरा कोई दीनहीन ये तुलना हो जाती है, तभी तो होता है। लेकिन अगर हम संपूर्ण रूप से निस्वार्थ हो जाते हैं, निरहंकारी हो जाते हैं, इफेसमेंट ऑफ ईगो जिसको कहते हैं, जो हमें श्री रामकृष्ण देव और विशेष रूप से श्री श्री माँ शारदा के जीवन में बड़ा ही सुस्पष्ट दिखाई देता है। ये जो इफेसमेंट ऑफ ईगो करना है तो उसके लिए तो दूसरे कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। जब हम यह देख लेते हैं कि मुझ में अगर कोई क्षमता है, यह सब क्षमता मेरी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा छोटा सा बड़ा पिक्चरस की उदाहरण दिया करते थे कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के वहाँ ईंधन जल रहा है, ऊपर बर्तन रखा हुआ है, बर्तन में पानी है और पानी में कुछ आलू डाले हुए हैं, तो थोड़ी देर में नीचे जो आग जल रही है लकड़ी की, तो उसके फलस्वरूप पानी उबलने लगता है और पानी उबलने लगता है उसके फलस्वरूप वो जो वहाँ आलू रखे हुए हैं डाले हुए, वो आलू ऊपर नीचे ऐसा घूमने लगते हैं और वो आलू सोचते हैं कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो वास्तविक आलू शक्तिशाली नहीं है। ठाकुर बोलते हैं नीचे जो चूल्हे में लकड़ी जल रही है उसको हटा दो, अग्नि को हटा दो नीचे से,
थोड़ी देर में पानी भी ठंडा हो जाएगा और आलू का नाचना भी बंद हो जाएगा। तो हम सब जो मनुष्य हैं, जो सामर्थ्य को, क्षमता को, विविध बातों को लेकर उसे गलती से अपना मान लेते हैं, वास्तविक वह भगवान के द्वारा दिया हुआ होता है, उसके असली मालिक भगवान होते हैं, हम नहीं। लेकिन जब हम यह भूल जाते हैं तभी हम अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन जब हम इस बात को मान लेते हैं कि हे प्रभु, आपने शक्ति दी, आपके शक्ति द्वारा ही मैं शक्ति संपन्न होकर प्रत्येक कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। देखिए, कोई भी कर्म हो, छोटा बड़ा, वह करने के लिए शक्ति लगती है। हमारी पलकें अगर पलक झपक करनी है तो उसके लिए भी शक्ति लगती है। तो यह शक्ति उस प्रभु की दी हुई है। मैं मेरे प्रत्येक कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरे कंधों पर सांसारिक जिम्मेदारियाँ जो हैं, यह सब भगवान के द्वारा दी हुई हैं। भगवान ये चाहते हैं कि मैं इन सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाऊं और उसके निभाने के लिए आवश्यक जो कुछ भी है, ज़रूरी है, वह सब, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, चाहे वह बौद्धिक शक्ति हो, चाहे वह आर्थिक शक्ति वह हो, हर प्रकार की शक्ति, वह सब भगवान के द्वारा ही मुझे प्राप्त होती है, मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, सत्य तो यही होता है ना। जीव जो जन्म ग्रहण करता है तब तो उसके बदन पर कपड़े तक नहीं होते, न वह कुछ लेकर आता है, न वह कुछ लेकर जाता है। बात यही सत्य है। और इसीलिए ये जो श्री रामकृष्ण देव ने यह जो बात हमारे सामने प्रस्तुत की है, बड़ी सांकेतिक, बड़ी सूचक, हृदय में ईश्वर हैं यह समझने पर। लेकिन यह समझ कैसे आएगी हमारे जीवन में, क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन सभी सद्गुणों का अपने जीवन में पालन करना होगा। ठाकुर जैसे कहा करते थे, सत्संग करो, बीच बीच में एकांत में जाओ, एकांत में जाकर थोड़ा सोचो, इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान के नाम गुण संकीर्तन का पालन करो। देखिए, यह सब श्री रामकृष्ण देव उपाय के रूप में इसके पहले भी बोल चुके हैं, जिसको हम लोगों ने बड़े विस्तृत भाव से उसका चिंतन भी किया है। तो आज बस हम यहीं रुकते हैं। आगे का परिच्छेद का फल सिर्फ दो लाइन में पढ़ लेता हूँ। ये जो दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ, तो इसका वर्णन, इसका प्रथम भाग यहाँ समाप्त होता है, जब श्री रामकृष्ण यह बात करते हैं कि हृदय में ईश्वर हैं, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है, मन से भौतिक बातों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और ईश्वरीय आकर्षण प्रबल हो जाता है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं, और यही यह 9वें परिच्छेद का प्रथम भाग समाप्त होता है। और आगे श्री रामकृष्ण जो बात बोल रहे हैं उसका शीर्षक है साधना, कामिनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। तो अगले प्रवचन में श्री रामकृष्ण देव ये जो कामिनी कांचन रूपी तूफान, अभी अभी मैंने आप लोगों को, ये हृदय हमारा किस कारण से मलिन होता है, यह काम क्रोध लोभ जो है, यह सभी तो हमको दूषित करते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।